नमस्कार। देखिए, जो मैंने आईपीओ के एमबीबीएस के लास्ट वीडियो में बताया था, जो मैंने कल ही आप लोगों के लिए बनाया था कि कितना आईपीओ ने कर दिया इस बार की दिल्ली वालों के लिए मैक्सिमम चांस है, लेकिन मैंने ये भी कहा था कि शायद हमें वो 10,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे अपने आप को सेफ करने के लिए ऑल इंडिया कोटा 3 भर के। अब कल रात को ही एक और अच्छी बात कर दी एमसीसी ने, और फिर अब मैं कहूंगा जितने भी लोग हैं जो हमारे फिलहाल क्लाइंट्स नहीं है, वो ये एनालिसिस खुद कर सकते हैं परफेक्टली। आपको किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है, किसी को फीस देने की जरूरत नहीं है, अलॉटेड लिस्ट लॉन्च कर दी गई है। अब देखिए, आपके पास अलॉटेड लिस्ट है आईपी राउंड 1 की, जिन लोगों ने रिपोर्ट करा नाम के साथ, नीट स्कोर नंबर रैंक के साथ। आपके पास ऑल इंडिया कोटा एमसीसी की, जिसके अंदर की दिल्ली के 7 में से 5 कॉलेज की सारी सीटें हैं, वर्धमान महावीर, अटल बिहारी वाजपेयी, एलएचएमसी, मैमसी, यूसीएमएस, राइट। वो बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है, सारे बच्चे उसमें हैं। आप एक्सेल बना के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा सकते हैं, और आपको ये पता है कि आईपी में अम्बेडकर और एनडीएमसी में कितनी सीटें हैं, किस कैटेगरी कितनी सीटें हैं, वो सबको पता है। 40 जनरल, 10 ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी, एससी, ये सब देख के आप एक्चुअली गिन सकते हैं एग्जैक्ट काउंट है। फिर ये लोग सिर्फ इन 3 से, फिर मैं और बताऊँ, 3 अगर आपके पास है, एटलीस्ट दिल्ली की मेरिट लिस्ट आपके पास है जो एमसी से निकाली थी, दिल्ली मेरिट लिस्ट से पता चल रहा है कि आपके और उस बच्चे के बीच में जिसको उन 5 में से एक कॉलेज मिला, उसे रिपोर्ट भी कर लिया। अब आपकी कैटेगरी है एससी, टोटल हमें पता है कि एससी की सीटें हैं 15% के हिसाब से तकरीबन 22, आपके उस बच्चे के बीच में खाली 15 का गैप है, फिर तो आप 100% श्योर हो आपको सीट मिलने वाली है। प्रोवाइडेड आप एक डबल चेक कर लो कि जो आईपी का राउंड 1 का अलॉटेड पीडीएफ डाल रखी है उसमें कितने एससी के बच्चे हैं। लेट्स से उसमें 3 बच्चे, आपने उन 3 को और कम कर दिया, सीटें हैं 22, आपके पास गैप है 14, 3 आपने और कम कर दिए, सीटें बची 19, गैप है 14। आपको पता है कि आपकी सीट कन्फर्म है, आपको ऑल इंडिया कोटा 3 में 10,000 रुपये देने की जरूरत नहीं है। ऑफकोर्स एससी के से 5,000 जाएंगे। इसके बाद एक और कॉम्प्लिकेशन है, क्योंकि मैं बाबा कहता हूँ दिल्ली के बच्चों के साथ ये दिक्कत है कि वो मल्टीपल होते हैं, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, कई लोग दिल्ली में आके दिल्ली का डबल डोमिसाइल ले लेते हैं, तो वो आपको दिल्ली के मेरिट लिस्ट में भी मिलेंगे, वो आपको ऑल इंडिया कोटा की लिस्ट में भी मिलेंगे। तो मतलब ये जो आपके बच्चे थे आपके ऊपर 15, ये शायद कम हो सकते हैं, ये वो ज्यादा नहीं होंगे, कम ही होंगे, क्योंकि इनमें से क्या पता 2-3 बच्चे ऐसे जो यूपी का स्टेट प्राइवेट, हरियाणा का स्टेट प्राइवेट, राजस्थान का सॉरी यूपी का स्टेट गवर्नमेंट, हरियाणा का स्टेट गवर्नमेंट, राजस्थान का स्टेट गवर्नमेंट, बिहार का, हिमाचल का, जहां से बच्चे आते हैं वो भी ले चुके हो। तो आपको परफेक्ट कैलकुलेशन करनी है 10,000 बचाने के लिए, तो जितने भी इंडिया के स्टेट्स हैं सबके अलॉटमेंट लिस्ट देखिए, और देखिए कॉमन बच्चे हैं कहाँ कहाँ पर है, और इन्हें कौन कौन सा कॉलेज मिला हुआ है अपने अपने स्टेट में। ये एनालिसिस करना बहुत कम्बरसम है, तो शायद उससे आसान होगा 10,000 रुपये देके अपने आपको सेफ करना। मगर एटलीस्ट इस अलॉटेड लिस्ट को आने से ये बड़ा फायदा हो गया है कि आपका रिस्क बहुत कम हो गया है, और जिन लोगों के नंबर ही मैंने बोला था कि सीटें 22 है, आपके बीच गैप ही 15 का है, 14 का है, तो आपको तो फिर 10,000 रुपये खर्च करने की जरूरत नहीं है, आराम से बैठिए, आपको आईपी के राउंड 2 में उस दिन 16-17 तारीख को सीट मिली जाएगी। तो ये फायदा है आप लोगों के लिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।